हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं सबके लिए लेकर आया हूँ एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक इंटरेस्टिंग एपिसोड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये एक टाइम ट्रेवल बेस्ड स्टोरी होने वाली है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए हैशटैग के जरिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यूयॉर्क सिटी आज का वक्त, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था। मॉर्गन ले फे के कुछ सोल्जर्स और कुछ क्रीचर्स सब दुनिया को तबाह कर चुके थे। यहाँ पर वुल्वरीन मलबे से उठता है, लेकिन अभी भी उसका एक पैर ठीक नहीं था, जिस वजह से वो चलते वक्त लड़खड़ाकर वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। 5 दिनों बाद जब उसका पैर ठीक होता है, तभी मॉर्गन ले फे के 2 सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वुल्वरीन अपनी एबिलिटीज के साथ उन्हें खत्म कर देता है। और जैसे वो आगे बढ़ता है, तभी टोनी उसका पैर पकड़ते हुए कहता है, मेरे हिसाब से एक आदमी इस सब में डिफरेंस ला सकता था, हैंक पिम, और मैं जानता हूँ कि तुम वापस जाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम इसे फिक्स करने की कोशिश करोगे तो भी तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर वो आगे कहता है, मेरी बात सुनो, इसकी वजह ये है कि हम लोग पीछे टाइम में जाकर उन चीजों को ठीक नहीं करते जो कि हमारे मन मुताबिक नहीं होती, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम एक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा एक पार्ट है, ये भी जीता है और ये भी सांस लेता है हमारी तरह, और अगर तुम टाइम के थ्रू ट्रेवल करोगे तो तुम इसे तबाह कर दोगे, तुम उसे हर्ट करोगे और लगभग तुम उसे मार दोगे, उसमें वो इतनी हद तक ब्रेक हो जाएगा कि वो रिपेयर ही ना हो पाए, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और जब वो मरेगा, यानी कि टाइम डेड होगा, या फिर तुम उसे मार दोगे, तब क्या होगा? लेकिन वुल्वरीन वहाँ से जाने लगता है। तब टोनी कहता है, ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं है, और टोनी अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। यहाँ पर सालों पहले जहाँ पर हैंक पिम और वुल्वरीन दोनों आपस में लड़ रहे थे, वहीं पर सोल्जर स्टॉर्म बाहर खड़ी थी, और तभी उस पर कोई हमला करके सोल्जर स्टॉर्म को वहीं पर गिराकर अंदर घुसता है। जब वुल्वरीन हैंक पिम को मारने वाला था, तभी कोई कहता है कि रुको, मैं ये ट्राई कर चुका हूँ और ये वर्क नहीं करता। और तब हम देखते हैं 2 वुल्वरीन को, यानी कि येलो सूट में फ्यूचर वाला वुल्वरीन और ब्लैक सूट में नॉर्मल वुल्वरीन, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन से यहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर फ्यूचर वुल्वरीन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो, तुम अगर पिम को यहाँ पर मार दोगे और घर वापस जाओगे तो तुम इससे भी बहुत बड़ी मेस क्रिएट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर वुल्वरीन को फ्यूचर वुल्वरीन पर भरोसा नहीं था, और वो कहता है, तुम्हें किसने भेजा है, कैप्टन अमेरिका ने या फिर तुम अल्ट्रॉन के बनाए कुछ हो? और वो कहता है, और तुम ये क्या पहन कर आए हो? तब वो कहता है कि ये फ्यूरी के पास था सीक्रेट बंकर में, और अब हमें बेटर कुछ करना होगा इससे। लेकिन वुल्वरीन को अभी भी यकीन नहीं था। तब फ्यूचर वुल्वरीन कहता है 1928 की एक बात, इस वजह से उसे भरोसा हो जाता है। और तब वुल्वरीन कहता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है, कि किसी और टाइम में जाकर इसे मारे, जैसे कि ये जब बेबी था तब? तब वो कहता है, नहीं, ये इसे फिक्स कर सकता है। लेकिन वुल्वरीन कहता है, नहीं, हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। यहाँ पर फ्यूचर वुल्वरीन बताता है कि टोनी स्टार्क ने मुझे एक आइडिया दिया था, और ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम इसे कर सकते हो। और वो कहता है कि जिन लोगों को तुम जानते थे, उन लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं एक एवेंजर हूँ, और वो सब लोग मर जाएंगे, क्योंकि तभी पिम कहता है, क्योंकि मैं एक रोबोट क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं कभी रोबोट क्रिएट करता ही नहीं, मैं सिर्फ एक AI के बारे में सोच रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तब फ्यूचर वुल्वरीन कहता है, हाँ वही चीज, अल्ट्रॉन। और तब वो कहता है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई भी रोबोट क्रिएट नहीं करूंगा और ये सब कुछ होने ही नहीं दूंगा। तब फ्यूचर वुल्वरीन कहता है, यही तो बात है कि तुम्हें ये होने देना है और वो सब कुछ होने देना है जो कि तुम करने वाले हो, सिवाय अल्ट्रॉन के उस दुनिया तबाह करने के। तब वो कहता है, लेकिन उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तब वो बताता है कि स्टार्क किसी वायरस के बारे में कह रहा था, जैसे कि कोर जैसा कुछ, जो कि तुम रोबोट के अंदर डालोगे और उसे टाइम आने पर बंद कर दोगे, और ये चीज मैं नहीं जानता और ना ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब हैंक पिम कहता है, मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, शायद मैं इससे बेटर वर्जन बना सकूँ अल्ट्रॉन का। तब वुल्वरीन कहता है, देखा, मैंने कहा था कि ये होगा,
और ये वही कर रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं। तब वो कहता है, नहीं मैं समझ रहा हूँ और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस चीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर बहुत मुसीबतों का सामना करके आए हो। वो आगे कहता है, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करूंगा जो कि वर्ल्ड पर अटैक करेगा, एवेंजर्स को मारेगा और ये बार बार होगा, है ना। तो इस सब के बजाय हम इस बार बार होने वाली प्रोसेस को एक ही बटन के साथ स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि एक बटन के साथ मैं उस AI को स्टॉप कर दूंगा और ये सब कुछ होगा ही नहीं। लेकिन तभी आवाज आती है, लेकिन इस बारे में तुम्हें खुद को बुलाना होगा। और तभी हम देखते हैं सू को, जो यहाँ पर आती है और फ्यूचर वुल्वरिन को देखकर कंफ्यूज होती है। तब वो कहता है, मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं पाती इसे मारने से। तब और कंफ्यूज होकर वो कहती है, यहाँ पर मुझे मेरे पति की जरूरत है, रेड यहाँ पर आकर सब कुछ सॉल्व कर सकता है। तब वुल्वरिन कहता है, हाँ ये हो सकता है, ये तुम्हारी मदद भी कर देगा। लेकिन पिम कहता है, नहीं ये सब कुछ मेरी वजह से होगा और ये सब कुछ मैं ही ठीक करूंगा, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और यहाँ पर सो कहती है, लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ दाव पर लगा कर आए, मैंने पूरी सिटी पूरी दुनिया तबाह होती हुई देखी है। तो पिम कहता है, मैं जानता हूँ कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होगा जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, और एक टाइम रिलीज प्रोग्राम मैं उसके अंदर डालूंगा जो कि अभी तक बना नहीं है, लेकिन मैं ये करूंगा और साथ में मैं इस बारे में भी भूल जाऊंगा, लेकिन मैं ये सब करूंगा कैसे ये मुझे ही नहीं पता। यहाँ पर सेवेज लैंड में अंटार्कटिका में दो वुल्वरिन और एक सो मौजूद थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों में से जाएगा कौन, क्योंकि दोनों एक साथ गए तो टाइम में गड़बड़ी हो सकती थी और यही सो का कहना भी था। तभी फ्यूचर वुल्वरिन कहता है कि हमें कुछ वक्त दो, और तब वुल्वरिन समझ जाता है कि क्या करना है और वो पूछता है, तुम या मैं, हम दोनों में से कौन। तो फ्यूचर वर्जन कहता है, मैं, क्योंकि तुम वो नहीं देखना चाहोगे जो मैंने देखा है, और तुम उसके साथ जी नहीं सकते जिसके साथ मैं जिया हूँ। और यहाँ पर फ्यूचर वुल्वरिन उससे कहता है, तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और तब वुल्वरिन अपने क्लॉज निकालता है। यहाँ पर उस गुफा से वुल्वरिन अकेला बाहर आता है और सो समझ जाती है कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर अल्ट्रॉन का काम पूरा हो चुका था और अल्ट्रॉन जिंदा हो चुका था, और वुल्वरिन और सूजन दोनों ही वापस जा चुके थे टाइम में। यहाँ पर अल्ट्रॉन जिंदा हो चुका था एक आदमी की तरह, और इससे आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। और आप अपने सजेशंस मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी दे सकते हैं।